आवर टुडेज टॉपिक इज ब्रांडिंग. ओके, ब्रांडिंग. ब्रांड क्या होता है? व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल, कुछ भी हो सकता है. जो मैंने बताया, टर्म है, नेम है, सिंबल है, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का, प्रोडक्ट और सर्विस का, जो कि अदर प्रोडक्ट और सर्विस से उसको डिफरेंट करते हैं. डिफरेंट करने के अलावा उसको आइडेंटिफाई करते हैं. आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आपको कोई नाम दिखाई देता है, कोई भी नाम, तो आपके माइंड में आता है अरे ये तो उसका है. आपको कैसे पता चला? क्योंकि उस जो ब्रांड है, जो नेम है, उसने आइडेंटिफाई करवाया अपने आपको. आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया? उसके नाम से आइडेंटिफाई किया, नाम से, सिंबल से, किसी ना किसी चीज से आपने आइडेंटिफाई किया होगा ना. तो यही ब्रांडिंग होती है. ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या हो गया? ब्रांडिंग एक टर्म हो गया, नेम हो गया, सिंबल हो गया, जो कि आइडेंटिफाई करवाता है एक प्रोडक्ट और सर्विस को. ओके, अब ब्रांड के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग करेंगे वन बाय वन. सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑनरशिप. ऑनरशिप में होता है मैन्युफैक्चरर एंड मिडलमैन. ऑनरशिप में कौन कौन होता है? मैन्युफैक्चरर और मिडलमैन. अब मैन्युफैक्चरर का मीनिंग है जिसने वो बनाया है प्रोडक्ट, उसी ने उसको ब्रांडिंग दी है. जिसने वो बनाया है, इसकी छोटी सी हम स्टोरी सुनेंगे, पहले आपको क्लियर हो जाएगा. एप्पल की स्टोरी सुनी है आपने? एप्पल वालों ने जो एप्पल का एक लोगो बना रखा है, वो वन बाइट एप्पल कट कर रखा है, किया है ना. तो ये एप्पल का जो लोगो बना, ये जो उसकी ब्रांडिंग हुई एप्पल की, ये कैसे हो गई? इसका लोगो जो बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसने बनाया? हु डिसाइडेड कि एक बाइट खाने वाला एप्पल, पूरा एप्पल क्यों नहीं रखा, एक बाइट खा के ही क्यों रखा? क्या वजह थी? हाँ, ऐसे खाया, ऐसे रख दिया, वो तो मुझे भी पता है. तो उसने वो एक बाइट खाने के बाद, जो स्टोरी मैंने सुनी है उसमें यही है कि जो एप्पल के सीईओ हैं, जब वो एप्पल खा रहे थे, एप्पल की उन्होंने एक बाइट खाई, एग्जैक्टली उनके हाथ में एप्पल था, उनके माइंड में क्लिक हुआ कि दिस कैन बी द बेस्ट लोगो, दिस कैन बी द बेस्ट ब्रांड. जो मेरा ब्रांड है, जो मेरा एप्पल है, इसका लोगो मैं ऐसा बनाता हूं. अब एप्पल आज के टाइम में एक ब्रांड है, और आप कहीं भी उसका लोगो देखते हो, कहीं भी उसका सिंबल देखते हो, वो वाला जो एक बाइट कटा हुआ, आपको इजीली समझ में आ जाता है कि ये एप्पल है. आप एप्पल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? लोगो से आइडेंटिफाई करते हो. क्या सिंबल है उस एप्पल का? आधा नहीं है, हाफ ऑफ भी नहीं है, वन बाइट कट है ओनली, है ना. तो ये मैन्युफैक्चरर, ये किसने बनाया है? किसने बनाया? मैन्युफैक्चरर ने. क्योंकि ऑनरशिप के अंदर दो तरह की ऑनरशिप होती है, एक मैन्युफैक्चरर जब बनाता है, दूसरा बनाता है मिडलमैन. अब हम मिडलमैन की बात करेंगे कि मिडलमैन कैसे करता है. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी छोटा सा, रिलायंस कंपनी का. रिलायंस, आप जगह जगह जाते हो, रिलायंस स्मार्ट है, देखा होगा आपने, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबके ऊपर एक चीज तो बड़ी कॉमन सी है, बट उनके जो लोगो है, जो उनका ब्रांडिंग है, वो सबकी अलग अलग है. कैसे अलग अलग है? ये तब अलग अलग होती है जब कोई मैन्युफैक्चरर मिडलमैन के ऊपर वो छोड़ देता है कि आप कैसे उसकी पब्लिसिटी करोगे. तो रिलायंस फ्रेश जितने भी हैं, उन सबका जो ब्रांडिंग है, जो लेबलिंग है, वो जो लोगो है, वो सेम मिलेगा आपको. क्यों सेम मिलेगा? रिलायंस फ्रेश वालों का सेम मिलेगा. ये आपका छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा, आपने करके भी लाना है. आपने रिलायंस वालों के सारे सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं. एक तो कॉमन मिलेगा आपको सब में, उसमें कलर्स अलग अलग होंगे. रेड कलर में होता है, नहीं होता? होता है. रेड कलर वाला क्या होता है? स्मार्टफोन होता है. ठीक है, तो आपने यही काम है जो आपको करके लाना है. रिलायंस वालों के जितने भी सिंबल्स हैं, कि रिलायंस वालों को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, रिलायंस फ्रेश का कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा है, जियो का कौन सा है. जियो भी तो रिलायंस के अंडर आती है. जियो का कैसा है? रेड है? नहीं है. आप चेक करके आएंगे, यही आपका काम है. रिलायंस जियो का अलग मिलेगा, इंडस्ट्रीज का अलग मिलेगा, रिलायंस फ्रेश का अलग मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने उसको, मैन्युफैक्चरर ने उसको किसके ऊपर छोड़ दिया? मिडलमैन के ऊपर, कि आप डिसाइड करो. और सभी मिडलमैन का जो रहेगा एक प्रोडक्ट का, वो कॉमन रहेगा. जैसे जियो का रहेगा तो जियो का सबका कॉमन रहेगा. ठीक है, ये आपका सेकेंड था. नेक्स्ट, मार्केट एरिया. मार्केट एरिया में क्या क्या आएगा बेटा? बिल्कुल, लोकल ब्रांड और नेशनल ब्रांड. अब मैं बात करूंगी लोकल ब्रांड की. लोकल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो. लोकल ब्रांड में क्या होता है? जैसा हमारा शहर है, हमारे शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा फेमस होता है, हमारी गली में, मोहल्ले में, एरिया में, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं वाह भाई हमने तो वहां से लिया, बहुत फेमस है वो.
तो वो लोकल ब्रांड होता है। अभी मैं किसका एग्जाम्पल दूं आपको, यहाँ पे आपकी गली में, आपके एरिया में कोई ऐसी शॉप, कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट जो बड़ा फेमस हो। अब जैसे कि हमारे बच्चों के मोहल्ले में जो ये होटल है, यहाँ ये एक लोकल ब्रांड है क्योंकि वहाँ की कॉफ़ी, वहाँ की टी जो है कॉस्टली है, और अपने एरिया के अकॉर्डिंग ये एक ब्रांड है, तो इसे हम बोल सकते हैं एक लोकल ब्रांड। लोकल एरिया में जो भी फेमस होता है वो क्या होता है, वो लोकल ब्रांडिंग होती है, वहाँ के लोकल ब्रांड्स होते हैं। अब जैसे जूडियो आ गया हमारे यहाँ पे, जूडियो भी एक ब्रांड हो गया। वो किसके लिए, मिडिल क्लास के लिए आया, मुझे इतना याद है, बहुत साल पहले की बात है। एक नंबर में एक सलून है जिसका नाम है जेम्स, ठीक है। उस टाइम पर जब मैं आपकी जब मैं ट्वेल्थ में पढ़ती थी, उस टाइम पर वो सलून लोकल एरिया में इतना फेमस था क्योंकि उसकी बहुत महंगी महंगा हेयर कट था, काफी कॉस्टली हेयर कट था, तो वो लोकल ही तो था, कोई ऐसा तो नहीं है कोई ब्रांड है, बट वो लोकल लोकल ब्रांड था। लोकल एरिया में तो फेमस हो जाता है, उसे लोकल ब्रांड कहते हैं। फिर चाहे वो कोई बुटीक हो, कोई पार्लर हो, या कोई हेयर सलून हो, कुछ भी ऐसा होता है उसे बोलते हैं लोकल ब्रांड। समझ में आ गया, क्लियर है लोकल ब्रांड। नेक्स्ट नेशनल ब्रांड, नेशनल कौन सा होगा, जो पूरी कंट्री में फेमस होगा। पूरी कंट्री में कौन कौन से ब्रांड फेमस हैं, वो तो इंटरनेशनल है, वो तो इंटरनेशनल। नेशनल ब्रांड बताओ मुझे हमारी कंट्री के, अमूल हमारी इंडिया का है, वेरी नाइस। पार्ले जी बिस्किट कितनी इज्जत देते हैं हम उसे, हाँ जी। टाटा, तो हमारे पास हमारे टाटा, तो टाटा ने एमएनसी का काम किया हमारा, वो इंडिया में नहीं बाहर भी फेमस है ना। तो जिसे बोलते हैं नेशनल ब्रांड, जो हमारी कंट्री के अंदर फेमस है। ओके नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या आता है, एक होता है फैमिली ब्रांड, एक होता है इंडिविजुअल ब्रांड। फैमिली ब्रांड मतलब जो अकेला नहीं अपना पूरी फैमिली लेकर आया, जैसे कि जॉनसन बेबी, जॉनसन एंड जॉनसन। पहले उसका क्या आया, सोप आया, फिर शैम्पू आया, फिर टॉप टू टॉप वॉश आया, फिर उसका वो वाइप्स आया क्लीनिंग करने के लिए, फिर बॉडी लोशन, पता नहीं क्या क्या क्या। तो जॉनसन एंड जॉनसन उन्होंने एक सोप से कितनी पूरी फैमिली खड़ी कर दी अपनी, और इतनी बड़ी फैमिली है उनकी कि साथ जाते हैं, अब कहीं भी जाते हैं तो वो पैक आते ना 251, 500 and 1100 जो किसी का बेबी बॉर्न होता है हम उसे गिफ्ट देते हैं, तो वो तो ना 1100 रुपए वाला दो, तो पूरी फैमिली साथ चलती है, छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, सारी फैमिली। तो दिस इज कॉल्ड फैमिली ब्रांड। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया पूरे परिवार का, नाउ दिस इज योर टर्न, मुझे कोई एक ऐसी कंपनी बताइए जो पूरी फैमिली फैमिली जाते हैं साथ। हिमालय का क्या क्या है, सब कुछ है, और बताइए कोई एक और। सोनी, सोनी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वेरी नाइस। पतंजलि भी है ना, पतंजलि, एलजी भी है, वाओ वेरी नाइस, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में देती तो आप लोग खुद गेस कर लेते ये फैमिली वाला है या सिंगल वाला है। अब हम सिंगल पे आ जाते हैं, बेचारे जो सिंगल अकेले जी रहे हैं। इंडिविजुअल ब्रांड, इंडिविजुअल, देखो सोनू को हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है सिंगल है, सॉरी नॉट सोनू, हाँ। तो इंडिविजुअल ब्रांड क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, जिसका कोई परिवार नहीं है, बेचारा अकेला है। अब मुझे एक ऐसा ब्रांड बताओ जो अकेला है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कौन सा है। एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ फिर आप देना, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर सनसिल्क, अच्छा हेड एंड शोल्डर की ओरल बी भी है, आपका भी है। आप देखो दो तीन मैं बता रही हूँ, दो तीन चार पांच आप घर से ढूंढ लेना। हेड एंड शोल्डर का क्या है, शैम्पू है बस, क्लिनिक प्लस, ऐसे तो तुम सारे शैम्पू उठा लोगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल ब्रांड, फैमिली ब्रांड, दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट, ब्रांडिंग कंप्लीट हो गई हमारी, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गिवन इन मार्केटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ओके। इकोनॉमिक्स का भी यही क्वेश्चन। गुड्स कितने टाइप की होती है, गुड्स होती है 4 टाइप्स की, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल फर्स्ट, ड्यूरेबल विच कैन बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, नाम से ही क्लियर हो रहा है ड्यूरेबल, सो विच कैन बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। जो भी गुड्स 1 ईयर से ज्यादा चलती है उनको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। गिव एग्जाम्पल्स प्लीज, फर्नीचर एंड
हाँ, मोबाइल फोन, चेयर, और इतने सारे आइटम रखे हमारे पास, बाइक, स्कूटी, है ना। सो दीज ऑल आर ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल विच कैन बी यूज्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, सेमी ड्यूरेबल जो 1 ईयर से कम चलती है। ब्रश, हाँ ठीक है, टूथपेस्ट नहीं, ब्रश और यूनिफॉर्म और नहीं शूज, वो आप पे डिपेंड करता है, शूज भी ले सकते हैं। और हम ले सकते हैं वो क्रॉकरी, हमारे घर में जब भी कांच के बर्तन आते हैं 6 ग्लासेस आते हैं और साल के एंड तक वो 4 रह जाते हैं, 3 कभी कभी तो 3 2 महीने में। वेरी नाइस, वो आपकी स्पीड है तोड़ने की, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, तो हम भी कभी भी आपके घर में 6 ग्लासेस अगर आपको 1 साल तक मिल जाए तो मुझे बताना जरूर। तो क्रॉकरी भी है जो कि लेस देन 1 ईयर तक चलते हैं। थर्ड वन इज ड्यूरेबल डन, सेमी ड्यूरेबल डन, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल यूज प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिंगल यूज प्रोडक्ट जिनको हम वन टाइम यूज करते हैं ओनली, वन टाइम के बाद यू कैन नॉट यूज दैट बिकॉज दीज आर कंज्यूम, वो कंज्यूम हो जाते हैं एक बार में। अब बताइए कौन सा जो एक ही बार, टिश्यू पेपर, वेरी नाइस, मास्क तो आप यूज करते हो बार, क्या वेट वाइप, ठीक है, और इंजेक्शन और फूड आइटम, एक बार खा लिया फिनिश, ऑयल, हेयर ऑयल, हेयर ऑयल वन टाइम ही यूज होता है भाई, पूरी बॉटल की बात नहीं कर, जितना आपने एक बार निकाल लिया, शैम्पू, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन, क्रीम, कितने सारे आइटम है ना, ये सब क्या है, वन टाइम यूज। ओके, नंबर 4, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, दीज आर इनटेंजिबल, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली फील इट, वट एवर आई एम डूइंग हियर, हाँ तो द सेम थिंग ना, वट एवर आई एम डूइंग हियर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। क्या प्रोवाइड कर रही हूं मैं आपको, सर्विसेज, एजुकेशन, दैट्स इट, गॉट इट। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ गुड्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। नाउ वी विल डिफाइन कंज्यूमर गुड्स एंड टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग में डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है, तो फिलहाल हम मार्केटिंग वाला पढ़ेंगे, बट दिस क्वेश्चन वॉज सेम इन मार्केटिंग एज वेल एज इन इकोनॉमिक्स, दोनों में सेम आंसर रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड्स में कितने टाइप की गुड्स आती हैं, सबसे पहली होती है जो फर्स्ट वन है उसका नाम है कन्वीनियंस गुड्स। सबसे पहले कौन सी है, कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड के अंदर 3 टाइप्स हैं, स्टेपल, इम्पल्स एंड एमरजेंसी। स्टेपल, इम्पल्स एंड एमरजेंसी, नाम से क्लियर हो रहा है। स्टेपल, स्टेपल गुड्स कौन सी होती होंगी आपके माइंड से, आपको क्या लग रहा है, स्टेपल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम डेली बेसिस पे परचेज करते हैं और जो डेली मम्मी कहती है पापा से आते टाइम लेते आना, वेरी नाइस, दूध और दही, सब्जी, अंडे, ब्रेड, तो ये वो होती हैं, ये वो सारे आइटम होते हैं जो मम्मी का फेवरेट डायलॉग होता है, आते टाइम लेते आना, ठीक। इम्पल्स आइटम, इम्पल्स गुड्स वो गुड्स होती हैं जब भी हम कहीं जाते हैं, बाहर निकले, कहीं भी निकले, तो हमारा कोई प्लान नहीं है इसे लेने का, बट हम ले लेते हैं। ओ क्या बात है, देखो इस लड़की को ड्रेस चाहिए, ठीक है, बेसिकली फीमेल्स का यही कॉमन रहता है, हम लोग प्लान करके नहीं जाते बट डमी ने पहना हुआ तो हम ले लेते हैं, ठीक, ये अनप्लान्ड होती है, प्लान नहीं है। अब कई बार हम जा रहे हैं ऐसे ही, मूड चेंज हो जाता है या खराब हो जाता है, एक चॉकलेट खाते हैं मूड अच्छा हो जाता है, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं सामने से कोई आ गया कि ये मैगजीन ले लो आप, तो हम सोचते चल ले लेते हैं, पढ़ लेंगे खाली से बैठे हैं, ले लेते हैं, तो दीज आर अनप्लान्ड आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एमरजेंसी गुड्स। एमरजेंसी गुड्स वो गुड्स होती है जब हम कभी टूरिज्म पे जाते हैं, टूरिज्म पे कहीं भी, तो वहां हमें इसको लेना ही लेना है, वेदर वट एवर द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। सपोज दैट ऐसा हुआ भी है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अभी कभी हम बाहर गए और बाई चांस हम टूथब्रश ले जाना भूल गए, तो विल यू बाय दैट और नॉट, ऑब्वियसली यू विल बाय। अगर आप बॉय हैं,
बॉय नॉट बाय, अगर आप बॉय हैं और आपको शेविंग करनी है और आप अपनी शेविंग किट ले जाना भूल गए तो विदाउट शेविंग रह लेंगे? नहीं. तो उस टाइम पर वहां पर इसका जो भी प्राइस चल रहा होगा दैट एट दैट टाइम यू विल डेफिनेटली बाय व्हाटएवर द प्राइस विल बी. गॉट इट? तो कंज्यूमर गुड्स में 3 टाइप ऑफ गुड्स हैं. कन्वीनियंस गुड के अंदर स्टेपल, इम्पल्स, इमरजेंसी. ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आपको मुझे जवाब देना है कि विच वन इज दिस. ओके, आप लोग मार्केट गए, मार्केट गए वैसे घूमने गए किसी के साथ, सडनली यू सॉ अ ब्यूटीफुल पेन, वो मिरर वाले पेन नहीं चल रहे, एक स्टाइलिश पेन, सो यू बॉट दैट पेन. तो इसमें इम्पल्स, इम्पल्स क्यों? अनप्लान्ड था. वेरी नाइस. दूसरा, राइस, चावल. स्टेपल आपको चाहिए, मम्मी का फेवरेट डाला लेते हुए आना. नेक्स्ट, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में फ्लड आ गई, फ्लड में जो विक्टिम्स हैं, जो फंसे हुए हैं वहां पर, दे नीड वाटर, और द अंडर प्राइस ऑफ वाटर बॉटल इज 500 रुपीज. इमरजेंसी. ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये एक्चुअल एग्जांपल दिया, वहां पे ऐसा हुआ था और लोगों ने बाय किया था, 500 में भी बॉटल बाय की थी. गॉट इट? अब हम इसका क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है कन्वीनियंस गुड्स, हम इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताएंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट से मार्केटिंग ही पढ़ रहे हैं ना. जब तक हम इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जोड़ेंगे नहीं इसके साथ, इसके इसका क्या फायदा होगा? कोई है बेनिफिट इसके? नहीं है. तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, किसी की भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूछता है तो वो 4P है. क्या है? 4P. याद रखेंगे 4P क्या होते हैं. 4P का मतलब प्राइस,